गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को, और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो चल रहा है आपकी चैप्टर नंबर 16, जिसके एग्जांपल्स जो है वो हम कर रहे हैं। तो आते जाइए, सारे जुड़ते जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड इवनिंग भावना, कनिका वेरी गुड इवनिंग, राधिका, स्नेहा वेरी गुड इवनिंग। तो हम पीछे के इसके दो भाग कर चुके हैं। पीछे के दो भागों में हम क्या पढ़ रहे थे? पीछे के दो भागों में हमने किया 16.2 से जो पहले एग्जांपल्स चल रहे थे उनको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम वापस 16.2 से पहले जो एग्जाम्पल है उनको हल करेंगे, और उनमें सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल अपना आता है वो आता है एग्ज़ाम्पल नंबर 4। वेरी गुड इवनिंग UD ऑफिशियल, राम राम। तो चौथा एग्जांपल जो है वो देखो क्या कह रहा है। चौथा एग्जांपल आपसे कह रहा है एक खोखले बेलन की ऊंचाई, एक कोई खोखला बेलन है उसकी ऊंचाई जो है वो 21 डेसीमीटर है, ऊंचाई 21 डेसीमीटर है, और इसके बाह्य तथा अंतः व्यास क्रमशः 10 सेमी और 6 सेमी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है वो है आपका नंबर 5। पांचवा जो एग्जांपल है, सॉरी चौथा है, 5 नहीं है, एग्जांपल नंबर 4, वो कह रहा है एक कोई खोखला बेलन है। बेलन जो है वो कैसा बताया है? खोखला बेलन है। वेरी गुड इवनिंग संजय राजपूत। बेलन जो है वो खोखला बताया गया है, और आपसे कह रहा है इस खोखले बेलन की ऊंचाई जो है वो है 21 डेसीमीटर, इकाई जो है वो डेसीमीटर दे रखी है। ध्यान करेंगे ये बात, खोखले बेलन की ऊंचाई वो दे रखी है आपको 21 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेलन का बाह्य और अंतः व्यास भी आपको दे रखा है। बाह्य व्यास जो है वो बता रहा है 10 सेमी, और अंतः व्यास जो बता रहा है वो बता रहा है 6 सेमी। ठीक है, तो खोखले बेलन का बाह्य व्यास बाह्य व्यास है वो तो बता रखा है आपको 10 सेमी। अब बाह्य व्यास आपके पास 10 सेमी है तो आप खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या जो हो गई 5 सेमी, व्यास की आधी होती है, व्यास जब 10 है तो त्रिज्या कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। और अंतः व्यास भी आपको दे रखा है, खोखले बेलन का अंतः व्यास वो बता रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। अब अंतः व्यास 6 सेमी है तो अंतः त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं, खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास जब 6 है तो त्रिज्या कितने की हो गई? 3 सेंटीमीटर की। अब देखो बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या दो त्रिज्याएं आ गई, खोखला बेलन है तो अब इसमें आप ध्यान करेंगे कि त्रिज्याएं जब दो आ गई तो हम एक त्रिज्या को R1 बोलते हैं और एक त्रिज्या को R2 बोलते हैं। ठीक है, और R1 किसको बोलते हैं? जो बड़ी त्रिज्या होती है उसे हम R1 बोलते हैं। तो इन दोनों में हम बड़ी त्रिज्या की बात करें तो बाह्य त्रिज्या ये बड़ी है तो ये अपने लिए किसका काम करेगी? ये R1 का काम करेगी, और ये त्रिज्या जो है ये अपने लिए R2 का काम करेगी। ठीक है, अब और देखो कि त्रिज्याएं जो है वो सेंटीमीटर में आई है, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो डेसीमीटर में आई है, तो इकाइयां सेम नहीं है। तो अब अपना काम होगा जो ये इकाइयां हैं इनको एक जैसा करना। इकाइयों को सेम करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सेंटीमीटर है त्रिज्याएं और जो ऊंचाई है वो डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते समय तो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो 210 डेसीमीटर कितने के बराबर होंगे? 21 डेसीमीटर किसके बराबर होंगे? 210 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ये लो, खोखले बेलन की ऊंचाई हमने निकाल ली 210 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल दिया। ऊंचाई आ गई, बाह्य त्रिज्या आ गई, अंतः त्रिज्या आ गई, तीनों मान आपके पास है। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ आपसे रहा है आयतन, आयतन पूछ रहा है तो आयतन का सूत्र लगा दो। बेलन जो है वो कैसा बताया? खोखला बेलन बताया, तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है?
खोखले बेलन का आयतन। अब सामान्य बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर और गुणा एच, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर और गुणा लग गया एच। आर वन होती है बड़ी त्रिज्या जो आपके पास 5 सेंटीमीटर की है, आर टू है छोटी त्रिज्या जो कि आपके पास 3 सेंटीमीटर की है। सारे मान आ गए, सारे मान बिठा देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, आर वन स्क्वायर, आर वन 5 की थी तो 5 की स्क्वायर और आर टू 3 की थी तो 3 की स्क्वायर और गुणा पड़ा है एच जो कितने का है 210 का। क्लियर है? तो और आगे इसे सॉल्व करें तो 22/7 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया और गुणा पड़ा है 210। ये 7 से कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गया 30। तो 22 गुणा 25 में से 9 गए 16 बच गए और गुणा पड़ा है 30। गुणा कर लेते हैं, 16 3 48 हो गए तो 480 ये हो गए और गुणा पड़ा है 22। 22 8 176 अंशिल 17, 22 4 88, 88 10 98, 98 और 7 हो गए 105 और एक ये 0, 10,560 सेमी क्यूब। ये आ गया आपके क्या, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, अगर आप अभी स्ट्रीम पे आए हैं तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है भावना, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर गुणा एच और राजेंद्र सिंह यानी कनिका 10,560 सेमी क्यूब आयतन आपका है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो पांचवा एग्जाम्पल देखो। वेरी गुड इवनिंग जेसिका। पांचवा एग्जाम्पल देखो आपको क्या कह रहा है। वेरी गुड इवनिंग ऋषि स्वामी। पांचवा कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का अनुपात दे रखा है 1:3, त्रिज्या का और ऊंचाई का दोनों का। वेरी गुड इवनिंग अनिल स्वामी, राम राम, राम राम अनिल स्वामी। त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो अनुपात है 1:3 और आपसे कह रहे हैं बेलन का आयतन जो है वो 3,234 सेमी क्यूब है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है, त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और बेलन का आयतन भी दे रखा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी है उनको लिख लेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे हमें कोई संबंध मिलेगा, कन्फर्म संबंध मिलेगा, उस संबंध से हम सवाल को हल कर लेंगे। मुश्किल सवाल नहीं है, सूत्रों पर आधारित है सारे के सारे सवाल। अगर आपने सूत्र अच्छे से कवर किए हुए हैं, बेसिक सूत्रों के बारे में आपका कवर है, तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। बेलन की त्रिज्या का और बेलन की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो मैंने इसको अनुपात में डायरेक्ट यहीं से लिख दिया, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दोनों का अनुपात जो है वो 1:3 दे रखा था। तो हमने 1/3, आपको पता है अनुपात को आप अनुपात के निशान से लिख सकते हो और बटा में लगा के भी लिख सकते हो, तो मैंने दोनों को बटा में लगा के लिख दिया। आगे कह रहा है बेलन का आयतन भी दे रखा है। अब देखो त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो त्रिज्या तो आपको पता है बेलन की त्रिज्या को हम आर बोलते हैं और ऊंचाई को हम एच बोलते हैं, बराबर है 1/3। यहाँ से हमने तिरछा गुणा किया तो एच बराबर क्या मिल गया, 3 का आर से गुणा 3 आर। ये एच में और आर में एक संबंध मिल गया, त्रिज्या में और ऊंचाई में, कि जी बेलन की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की क्या है, वो त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है, ये संबंध मिल गया। अब इसी संबंध से हम सवाल को आगे हल करेंगे। तो आगे कह रहे हैं बेलन का आयतन है 3,234 सेमी क्यूब, बेलन का आयतन भी दे रखा है। तो ये लो, आयतन जो दे रखा है वो दे रखा है 3,234 सेमी क्यूब, 3,234 सेमी क्यूब। बेलन है तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला या सूत्र हम जानते हैं, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिठा दिया, बराबर है 3,234। पाई का मान बिठाया 22/7 होता है, आर हमारे पास है नहीं तो आर स्क्वायर वैसा का वैसा, और एच परफेक्ट तो एच भी नहीं है आपके पास, लेकिन एच का हमने एक संबंध निकाल रखा है त्रिज्या के साथ कि एच जो है वो 3 आर के बराबर है। तो एच की जगह में एच का मान
जो 3 आर था वो पुट कर दिया यहाँ पे, एच की जगह एच का मान जो 3 आर था वो बिठा दिया मैंने यहाँ पे, बराबर क्या पड़ा है 3234 पड़ा ये, ठीक है। कोई सा कट नहीं रहा, ये सारे गुणा में है, इधर लेके बाहर में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं सिर्फ आर सुकेर और आर को, तो आर सुकेर का आर से गुणा किया क्या हो गया आर क्यूब बन गया, तो ये तो बन गया आपका आर क्यूब, रख लेते हैं यहीं पे ये लो, बराबर 3234 तो पढ़ाई था और बटा में क्या आ गया 22 × 3 आ गया, और ये 7 भाग में था इधर आया तो गुणा में आ गया ये लो, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं, 11 से कट जाएंगे शायद, 11 2 22, 11 2 22 10 बच गया, 103, 11 9 99 4 बच गए, 11 4 44, 2 से कट रहे हैं 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 3 से भी कट रहे हैं 3 1 3, 3 4 12, 3 9 27, तो आर क्यूब जो है वो कितना आ गया, आर क्यूब आ गया 49 × 7, आर क्यूब बराबर 49 है, तो इसको मैं 7 × 7 × 7 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 49 तो 7 × 7 हो गया, 1 7 एक्स्ट्रा पड़ा था तो 7 × 7 × 7, तो आर क्यूब बराबर क्या मिल गया आपको, आर क्यूब मिल गया 7 का क्यूब, दोनों ओर से क्यूब हटा दिया यानी घनमूल ले लिया, तो आर कितने की आ गई 7 सेंटीमीटर की। अब जब आर आपके पास 7 सेंटीमीटर की आ गई तो आर का मान यहीं पर बिठा देंगे। वेरी गुड इवनिंग हिमांशु, सुरेश जी वालिया, राम राम जी, राम राम, स्वागत है आपका सुरेश जी, स्वागत है। आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, ये जो आर का मान आया ये हम इसमें बिठा देते हैं नंबर एक में, इससे हमें किसका मान मिल जाएगा, एच का मान मिल जाएगा, तो आर का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, वेरी गुड इवनिंग निशांत, तो आर का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखा तो यहाँ से हमने एच का मान प्राप्त कर लिया, 3 × r का मान 7 है, तो एच कितने की आ गई 21 सेंटीमीटर की। अब बेलन की ऊंचाई आपके पास है, बेलन की त्रिज्या आपके पास है, अब हम जो चाहे वो ज्ञात कर सकते हैं, हमसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल सकते हैं, ये लो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, मान बिठा रहा हूँ, वेरी गुड इवनिंग रोमिका कार्तिक, वेरी गुड इवनिंग, मान बिठा देते हैं सारे सारे, ठीक है। तो देखो 2π का मान 22/7 हो गया, r जो है वो 7 है, ब्रैकेट में h का मान 21 है और r जो है वो 7 है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गए, ये कितने हो गए 22 × 2 = 44, और गुणा पड़ा है 21 और 7 = 28, दोनों ऐड हुए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 21 प्लस के थे और ये माइनस के थे, सॉरी 21 और 7 दोनों का प्लस हो रहा था, तो 21 और 7 कितने हो गए आपके पास 28 हो गए, ये लो गुणा कर देते 28 56, 28 × 3 = 84, 112, 3 2 और 3 और एक ये लो 12, 1234 सेमी सुकेर, ये क्या आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कुछ नहीं सिंपल सा दिया था, मैं बढ़िया हूँ, ग्रांड लीकेज हैकिंग, जोरदार झक्कास, जबरदस्त, गजब, लाजवाब, यूनिक, आप सुनाइए, मैं एकदम बढ़िया हूँ, ग्रांड लीकेज हैकिंग, शानदार हूँ, आप बताइए। फिर कहूँगा अगर आप अभी स्ट्रीम पे पहुँचे हैं तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है कनिका, हिमांशु, भावना, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान आर्मी, मैं एकदम बढ़िया हूँ जी, एकदम झक्कास, जोरदार, आप सुनाइए, आप सुनाइए, मैं एकदम बढ़िया, है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, छठा एग्जांपल देखो आपको क्या कह रहा है, फिर कहूँगा अगर आप अभी आए हैं तो प्लीज़ टीम को लाइक ज़रूर करें। यो क्या क्या बोल रहे हो जी, आर्मी समझ में नहीं आई आपकी बात, क्या बोले, चलते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, तो छठा एग्जाम्पल देखो आपको क्या कह रहा है, छठा एग्जाम्पल कह रहा है एक रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में वो कितना क्षेत्रफल
जी बिल्कुल, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर हर एक आपकी चैप्टर वाइज मैंने लिस्टें बना रखी है। वहाँ से आप जिस चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हो तो उनके साथ पार्ट भी लगे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, इस हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे जाकर के आप आराम से इत्मीनान से सारी वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको त्रिकोणमिति कक्षा 10, वहाँ पे जाने के बाद आप इत्मीनान से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में तो आज तीसरी चैप्टर चल रही है, ग्रांड लीके जैकिंग। नहीं कोई बात नहीं जी, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। कक्षा 10 का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। हर एक चैप्टर वाइज आपको जो भी चैप्टर देखनी है सिर्फ प्लेलिस्ट ओपन करनी है। आपको प्लेलिस्ट में हर क्लास वाइज 8वीं 9वीं और 10वीं की, 9वीं के भी काफ़ी क्लासें हो चुकी है, तो 9वीं और 10वीं के आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां एग्जांपल, 6ठा एग्जांपल हम पढ़ रहे थे कि एक रोलर की लंबाई जो है वो है आपके पास 2 मीटर की और व्यास जो है वो 1.4 मीटर का। अब बात ये आई कि जो रोलर होता है इसने जो माप जो दिया वो रोलर की नहीं दिए भाई, रोलर की हम बात करें तो रोलर जो है वो क्या काम करता है, सड़क को समतल करने में ही तो काम आता है। अब जो सड़क को समतल करता है तो वो रोलर का मुख्य किरदार उसमें किसका होता है, सड़क समतल करने में रोलर के किस भाग का मुख्य किरदार होता है ना। हेलो जी, स्वाजी बिजानिया, स्वागत है जी आपका, स्वागत है। मुख्य किरदार जो होता है वो किसका होता है जी, वो मुख्य किरदार तो रोलर के पहिए का होता है, जो रोलर का पहिया होता है ना, मोस्टली आगे वाला जो पहिया होता है वो काम करता है सड़क को समतल करने में। और रोलर के पहिया जो आगे वाला पहिए की बात कर रहे हैं वो किस आकृति का होता है, अगर आपने देखा होगा, पुराने रोलर की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट तो अलग आ गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन पुराने जो रोलर थे उनका जो आगे वाला पहिया था वो किस आकृति का नज़र आता है, वो जी बेलनाकार आकृति का नज़र आता है ना, यानी बीच में वो लंबा सा होता है, इस हिसाब से उसके दोनों सिरे यहाँ से पकड़े रहते हैं और ये बीच वाला भाग जो होता है ये सड़क समतल करने के काम आता है। यही तो होता है, यानी रोलर का जो आगे वाला पहिया है वो बेलनाकार होता है और सड़क को समतल करने में मुख्य भूमिका उसी की ही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है रोमिका, बेलनाकार होता है, बेलनाकार भाग की ही मुख्य भूमिका रहती है। तो ये उस पहिए की माप बता रहा है, ठीक है, वो उस पहिए की ही माप बता रहा है, न कि रोलर की, क्योंकि रोलर की माप करता तो रोलर का कोई व्यास नहीं होता, क्योंकि रोलर की जो आकृति है वो पूरा रोलर बेलनाकार नहीं होता। जल्दी होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। हेलो सहदेव, स्वागत है, हेलो। ठीक है, तो रोलर का जो पहिया होता है वो आगे वाला काम आता है और आगे वाला पहिया जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो उस बेलनाकार भाग की माप इसने दे रखी है। पहिए की लंबाई कह रहा है 2 मीटर है और पहिए का जो व्यास है वो कह रहा है 1.4 मीटर है। देखते हैं कैसे होगा। और कह रहे हैं 5 चक्कर लगाता है वो किसी सड़क को समतल करने में, तो कितना भाग वो साफ कर देगा जी। जल्द होगी आदम राम, आदम दादा, बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल होगी, 10th 9th की भी क्लासें स्टार्ट होंगी, जल्दी ही होंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्थ की भी आपको मिल जाएंगी और जल्द ही 1-2 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं 7वीं और 8वीं के भी, शायद लाइव क्लास नहीं हो पाए लेकिन वीडियो ज़रूर अपलोड कर दिए जाएंगे 1-2 दिन में, है ना। थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने लगा है, जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे जी। ठीक है, बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि रोलर जो है रोलर के पहिए की बात कह रहा है, ये बात कन्फर्म हो गई पहली बात। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, पियेंगे जरूर पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, है ना, कॉफ़ी, ग्रीन टी, जो भी आप बोलोगे। स्कूल जी 10th की क्लासें लग रही है, 9th की जो क्लासें हैं वो जल्द ही शायद मंडे या ट्यूसडे से कंटिन्यू कर दी जाएंगी, जल्द ही कर दी जाएंगी। तो रोलर का एक पहिया है जिसकी लंबाई कह रहा है 2 मीटर की है और व्यास कह रहा है 1.4 मीटर का है। ठीक है, तो मैं पहिए की ही बात कह रहा हूँ, रोलर की बात नहीं कह रहा है ना, दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, पहिए का ही जिक्र हो रहा है। तो रोलर के पहिए का के पहिए की लंबाई वो तो बता रखी है आपको 2 मीटर, ठीक है, और रोलर के पहिए का व्यास जो है वो आपको दे रखा है, कितना व्यास दे रखा है, 1.4
4 मीटर। ठीक है, अब आपसे ये कह रहे हैं कि रोलर का पहिया जो है, व्यास आपके पास है तो व्यास का आप आधा करके त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, रोलर के पहिए की त्रिज्या निकाल ली पहला काम, क्योंकि भी चाहे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, चाहे वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करना हो, हमें बेलन के बारे में कोई भी चीज़ ज्ञात करनी होती है तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो त्रिज्या की और एक ऊंचाई की। तो ऊंचाई तो आपको दे रखी थी, ऊंचाई बोल दो या लंबाई बोल दो या गहराई बोल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। यानी जैसे मान लो अगर ये कोई स्तंभ की बात कर रहा होता ना, बेलनाकार स्तंभ की, तब तो ये बात करता ऊंचाई की। अगर कोई पाइप की या रोलर के पहिए की बात कर रहा है तब ये बात कर रहा है लंबाई की। और अगर ये कोई कुएं की बात कर रहा होता ना, बेलनाकार कुएं की, तब ये बात करता गहराई की, है ना। तो लंबाई बोल दो, ऊंचाई बोल दो या गहराई बोल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है बेलन के अंदर। व्यास 1.4 है तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है, तो 1.4 का आधा कर दिया, कितना आ गया 0.7 मीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो पहिया आपको दे रखा है, ये पहिया 5 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा या कितनी जगह को समतल करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। 5 चक्रों में लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल कर देगा, यानी साफ कितना भाग कर देगा। तो रोलर का पहिया जो होता है वो आपने बोल दिया जी बेलनाकार होता है, लेकिन आपको पता है कि रोलर का पहिया इस प्रकार से अटैच होता है रोलर की बॉडी के साथ। अब ये जो वाला बीच वाला भाग है, सिर्फ यही भाग जो बीच वाला ये दिख रहा है, यही भाग क्या करता है, सड़क को समतल करने के काम आता है। अब ऐसे थोड़ी है कि रोलर का पहिया ऐसे है तो वो कुछ दूर ऐसे चलेगा, फिर वो रोलर ऐसे होगा, ऐसे सड़क समतल करेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे तो नहीं होता। तो सिर्फ रोलर का ये बीच वाला भाग ही समतल करता है, और ये बीच वाला भाग जिसे ये वाला भाग होता है, जिसमें इस वाले वृत्ताकार भाग को और इधर वाले वृत्ताकार भाग को दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये बीच वाला भाग बचता है, और ये क्या कहलाता है, ये CSA होता है, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका। तो इस भाग की बात कह रहा है, तो हम ये पहली बात तो ये देख लें कि रोलर का पहिया एक चक्कर में कितने भाग को समतल करता है। ये बात हमने शायद एक दिन, एक पहिया था साइकिल का पहिया, उस इसी चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि रोलर का पहिया जो है, कोई भी वर्ताकार चीज़ होती है वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करती है जितना उसका परिधि होती है या जितनी उसका परिमाप होता है। परिधि परिमाप एक ही होता है, लेकिन बेलन के बारे में जब हम बात करेंगे तो बेलन का ये वाला भाग काम आ रहा है सड़क समतल करने में, और ये वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम निकालेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी या एक बार में समतल, एक चक्कर में समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, और एक बार में उतना ही क्षेत्र ये समतल करेगा जितना इसका क्या होगा, ये वाला भाग होगा, यानी वक्र पृष्ठ होगा। क्लियर है, त्रिज्या आपके पास है, ऊंचाई आपके पास है, तो हम इसमें निकालेंगे रोलर के पहिए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA। तो रोलर के पहिए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ की बात कह रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। ये लो मान बिठा देते हैं, 2π का मान 22/7 ले लिया, कुछ नहीं कहा था इसने 22/7 लिया। आर का जो मान था वो था 0.7 और एच का मान जो था वो था 2। 0.8/10 लग गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 44 44 2 88, और 10/10 पड़ा था तो 8.8 लिख दिया मैंने, 8.8 मीटर स्क्वायर। तो वो पहिया जो है वो उसका वक्र पृष्ठ इतना आ रहा है, और बेलनाकार चीज़ जो है वो एक बार में उतना ही भाग समतल करेगी जितना उसका वक्र पृष्ठ है। स्पेशली रोलर के पहिए की बात कह रहा हूँ, तो रोलर का पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी समतल करेगा जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक बार में समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और वक्र पृष्ठ कितना है, 8.8 है, तो ये लो 8.8 मीटर स्क्वायर। एक बार में वो इतना क्षेत्र को समतल कर देता है, और बुक वाला कह रहा है कि वो 5 चक्रों में कितना करेगा, तो हमें 5 चक्रों में चाहिए तो 5 में वो ज़्यादा करेगा, तो 5 से गुणा कर देते हैं। तो पहिए द्वारा 5 बार में समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक में करता है 8.8 तो 5 में ज़्यादा करेगा, तो 5 से गुणा कर दिया, 8 5 40 4 40 और 4 44, एक अंक बाद 0.4, तो 44 मीटर स्क्वायर। तो वो पहिया जो है वो 44 मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्र समतल कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, 44 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, कनिका भावना बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 और 16.2 से पहले
जो भी एग्जांपल थे वो हमने कर लिया फिनिश। 16.1 से पहले जो एग्जांपल थे उनमें हमने पढ़ा किसको, घन को और घनाभ को, और 16.2 से जो पहले एग्जांपल थे उनमें हमने पढ़ा सिलेंडर को यानी बेलन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे के एग्जाम्पल की, लेकिन उससे पहले फिर कहूँगा अगर आप अभी स्ट्रीम पर आए हैं तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हम काफ़ी उत्साहित होते हैं और हमारा BSR मैथ्स गुरु परिवार जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। आपको भी जानकर खुशी होगी कि हमारे परिवार में जो है वो लगभग 1370 प्लस मेंबर हो गए हैं, 1370 प्लस। अब बात करते हैं हम 16.3, अगर 16.2 में कोई क्वेश्चन है, 16.2 में अगर कोई क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किया हो और आया नहीं हो, पूछना है पूछ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले 16.3 में, 16.3 की हम बात करेंगे, लेकिन 16.2 से पहले अगर कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, है ना। और उसके अलावा हाँ बिल्कुल, 1.37 के सब्सक्राइबर्स हो गए, है ना, ये सब आपके साथ की वजह से फटाफट चढ़ लें हम जो है फटाफट आगे ग्रोस कर जो ग्रो कर रहे हैं, ये सब आपके साथ की वजह से है। बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अगर 16.2 में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलूं, 16.2 में कोई डाउट नहीं है तो आगे चलूं। वैसे सिंपल है, सिलेंडर से रिलेटेड है और सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। चलो फिर बात करते हैं 16.3 की, और 16.3 में आपका आ जाता है कौन। ठीक है, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, है ना, ये सब आपके साथ और प्यार की वजह से ही मुमकिन हो रहा है ना। आप साथ जुड़े, आपका साथ रहा और आपने इसे आगे भी शेयर किया, आपने आगे भी शेयर किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। 16.2 में कोई क्वेश्चन नहीं है, भावना कह रही है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर कौन सा है देखो ज़रा। 20 मीटर गहरा कुआं खोदा, कुआं है नहीं है छोड़ दो, क्योंकि इसमें कुआं खोदा गया है, कुएं से निकली जो मिट्टी है वो उससे चबूतरा बनाया गया है, मतलब एक ठोस का दूसरे ठोस में क्या किया गया है, रूपांतरण किया गया है, एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरण जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, 10वां क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं 16.3 की, और 16.3 में आपका आ गया कौन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्या, इसमें क्या समस्या हुई, 12वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई भावना बताएं, सिंपल सा था, इतना कोई मुश्किल है नहीं। 16.2 का 12वां क्वेश्चन जो है वो देखो आपको क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है एक कोई खोखला बेलन जिसकी मोटाई दे रखी है कितने की, 2 सेंटीमीटर की, खोखला बेलन जिसकी मोटाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, और आपसे कह रहा है इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है, भीतर का यानी अंदर का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर की है, तो बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, खोखला बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहे हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2π r1 + r2, आगे वाले ब्रैकेट में h + r1 - r2, दिक्कत कहाँ है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये रहा फॉर्मूला। अब आपको r1 और r2 चाहिए तो व्यास दे रखा है, जो बड़ा व्यास है वो आपको भीतरी व्यास दे रखा है, भीतरी व्यास है 14, तो भीतरी त्रिज्या कितने की हो गई, 7, भीतरी त्रिज्या है तो इसे हम r2 बोलेंगे। r1 की मैं बात करूँ तो भाई भीतर का व्यास दे रखा है 14 और मोटाई दे रखी है आपके पास 2 की, तो बाहर का व्यास निकालेंगे तो 2 इधर ऐड हो गया और 2 इधर हो गया, 4 ऐड हो गया, तो 14 और 4 कितने हो गए, 18, तो बाहर की जो त्रिज्या है वो कितने आ गई, 18 की आ गई, 9, R1 9 आ गई, R2 7 आ गई, और आपके पास व्यास जो है, सॉरी मोटाई जो है, और क्या दे रखा है, ऊंचाई जो है वो 25 की दे रखी है, तो H की वैल्यू जो है वो 25, तीनों मान आपके पास है, फॉर्मूले में पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो या भावना या करवाऊँ बताएं, कर सकते हो या करवाएं, फॉर्मूला आपके पास होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तीनों मान मैंने आपको बता दिया, R1 क्या होता है, R2 क्या है, और H कैसे आएगी, बताइए करवाऊं या कर सकते हो। ठीक है, बात करें आगे 16.3 की, तो 16.3 में है आपका शंकु, और शंकु जो है वो इस बार के सिलेबस के लिए, सिलेबस
से अब की बार के लिए आपके लिए हटा दिया गया है, तो शंकु जो है वो नहीं करना, शंकु नहीं करना मतलब 16.3 चैप्टर और उससे पहले के जो एग्जाम्पल है वो फिनिश हो गए। शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो शंकु जो है उसे हटा दिया गया है, इसे छोड़ देते हैं। तो 16.3 से पहले के एग्जाम्पल फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं गोला, जो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है 16.4 से पहले। अब हम बात करेंगे 16.4 से पहले के जो एग्जाम्पल है उनकी, क्योंकि 16.3 जो है वो आपके सिलेबस से जा चुकी है, तो 16.4 की हम बात कर लेते हैं। सोलह पॉइंट चार से पहले के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 16.4 में हम किसको पढ़ेंगे? 16.4 में हम पढ़ेंगे गोले को और अर्धगोले को, गोले को और अर्धगोले को। वेरी गुड इवनिंग कपिल शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। फिर कहूँगा अगर आप अभी इस टीम पर पहुँचे हैं तो प्लीज़ टीम को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और जैसे जैसे एक एक मेंबर हमारे साथ जुड़ता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिस नियम को या जिस बात को या जिस काम को एक बंद कमरे में सिर्फ फ़ोन से सोच के बैठे थे कि ये काम हम शुरू कर रहे हैं, उस समय कुछ नहीं था, अकेला था, अकेला चला था, धीरे धीरे चलते गए, कारवां बनता गया और आज जो है हमारे पास 1370 सदस्यों का एक भरा पूरा फलता फूलता परिवार है, है ना। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे आगे शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो मोटो यही है कि इस कोरोना काल में हम उस हर उस बच्चे के घर तक पहुँचें, हर उस बच्चे के घर तक पहुँचें जो पढ़ना चाहता है और किन्हीं निजी कारणों से, ठीक है, किन्हीं निजी कारणों से, चाहे वो उसके पर्सनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, जो भी हो, किन्हीं कारणों से वो क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कोचिंग क्लासेज हो चाहे वो स्कूल की क्लासेज हो, तो उनके लिए ये सुविधा ताकि वो घर पे बैठ के तसल्ली बख्श घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर सके, एकदम स्कूल जैसा माहौल, स्कूल जैसा माहौल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन काम चलता है, कुछ भी बीच में ऐसे नहीं कि ये मिस कर दें या इसे स्लिप कर देते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक बार पूछे, दो बार पूछे, पाँच बार पूछे, जितने भी बार पूछे उसको संतुष्ट किया जाता है। तो प्लीज़ इसे हर उस बच्चे तक शेयर करें, चाहे वो आपका क्लासमेट हो, चाहे आपका वो पड़ोसी हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, कहीं भी हो, हर जगह उस तक पहुँचे तक, ताकि वो उसके पास ये बहाना नहीं रहे कहाँ से पढ़े, है ना। गोले और अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे 16.4 से पहले के जो एग्जांपल्स है उनकी बात कह रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो एग्जांपल, अब फॉर्मूले आपको पता है, नहीं पता तो एक बार फिर से बता दूं, चलते चलते बात करता हूं गोले का। तो गोले का जो CSA होता है, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो याद रखो गोले का वक्र पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है और TSA जो होता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं, यानी गोले के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों एक ही होते हैं, जो है कितना होता है 4πr². वॉल्यूम की हम बात करें तो गोले का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³, वॉल्यूम मीन्स आयतन। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धगोले की, तो अर्धगोले के अंदर जो CSA होता है, CSA जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 2πr². TSA जो होता है वो होता है आपका 3πr² और वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 2/3πr³। गोले और अर्धगोले से रिलेटेड ये बातें हैं आपकी, ये फॉर्मूले जो है आपके एग्जाम एक्सरसाइज में लगेंगे। बात कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 12 की। 12वां जो एग्जांपल है वो इसने क्या दिया है, 16.4 से पहले जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12 उसकी बात कह रहा हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 12 जो है वो आपसे कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों ज्ञात, सॉरी 12वां ऊपर है, 7 सेमी त्रिज्या का एक कोई गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब गोला है तो उसमें एक ही क्षेत्रफल होता है, चाहे वो पृष्ठीय बोले चाहे वो वक्र पृष्ठीय बोले चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय बोले, गोला है तो मतलब एक ही है, उसका TSA और उसका CSA दोनों सेम ही रहते हैं। तो देखते हैं
गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको, वो बता रखी है 7 सेंटीमीटर की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ये लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगाया, सूत्र होता है 4πr², 4π की वैल्यू 22/7 है और r² 7 × 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22×4 88 हो गए और गुणा पड़ा है 7, 7×8 56, 5, 7×8 56, 56 और 5 हो गए 61,616 सेमी सूके। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सवाल इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल सही है कनिका। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, 13 नंबर की, जो कह रहा है अर्धगोला है, त्रिज्या 3.5 है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय चाहिए। एक अर्धगोला है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय है और आयतन पूछ रहा है, तो अर्धगोले का आयतन निकालें, तो अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन आप जानते हो 2/3πr³ होता है, बिठा दिया मान 2/3, π का मान 22/7 होता है और r³ 3.5 × 3.5 × 3.5, तीनों में दशमलव हटाऊंगा तो बटा 1000 लग गया, ये लो 7 से कैंसिल, 7×5 35, 5 से कैंसिल, 2 200 हो गए, 7 से 5 से फिर कैंसिल हो रहे हैं, 5×7 35 और 5×4 20, फिर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5×7 35, 5×8 40, फिर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2×4 8, फिर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 11×2 22, कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा 11×7, 11×7×7 और बट्टा रह गया आपके पास 6, गुणा करते हैं 77×6 और बटा है, सॉरी 77×7 बटा है 6, 7 का 7 से गुणा किया 49, 4 49 और जो 4 है वो 53 और बटा 6 सेमी क्यूब। आयतन तो है 539/6 सेमी क्यूब, चाहो तो इसे आप दशमलव भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपसे पूछा है, वो पूछ रहा है कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूछ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो क्या बचेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 3πr², तो 3π की वैल्यू 22/7, r² 3.5 × 3.5, फिर पॉइंट हटाया बटा 100 लग गया, दोनों के अंदर से पॉइंट हटा दिया हमने, काटे हैं तो 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7×5 35 और 5 ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 20×5 100, फिर और काटना चाहो तो और भी काट सकते हो, ये 7 और ये हो गया 4, 5×7 35, 5×4 20, फिर 2 से कट रहा है, 2×2 11×2 22, कितना आ गया 33×7 और बटा 2, 7×3 21, 2 बच गए, 21 और 2 23, 231/2 सेमी स्क्वायर, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सवाल इजी है, मुश्किल कोई सा भी नहीं है, अगर इत्मीनान से करें, थोड़ा ध्यान से करें तो सवाल आप आसानी से कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 14 की हम बात करें तो शीशे की एक गोली जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है, इसे 5 मिमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, क्या 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 कह रही हो रोमिका कह रही है सर 2 या 3 आकृतियों को जोड़कर कोई आकृति बनती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का कोई क्वेश्चन आ सकता, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे एक है ना, एक घनाभ था, उसे आधार के समांतर काट करके 2 घनों में बांट दिया गया है ना, या फिर एक घनाभ था उसको आधार के समांतर काट कर 2 घनाभों में बांट दिया गया, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, 14 जो हम अभी पढ़ रहे थे वो नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, शीशे की एक गोली थी जिसकी त्रिज्या जो थी वो 5 सेमी थी, इसे पिघला करके 5 मिमी की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। भाई एक ठोस का बहुत सारे ठोसों में रूपांतरण हो रहा है और एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, चाहे वो गोले से गोला बने, चाहे वो बेलन से गोला बने, चाहे वो बेलन से शंकु बने, या शंकु से आपका घन बने, या घनाभ से आपका अर्धगोला बने, कैसे भी बने, लेकिन एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर है,
तो एग्जांपल नंबर 14 छोड़ देते हैं, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 की। तो 15 नंबर एग्जांपल जो है वो देखो आपको क्या कह रहा है। 15वां कह रहा है एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल गेंद का है। अब गेंद जो है वो कैसी होती है जी, वो तो गोल होती है, गोल होती है, तो गोले का जैसे पेंसिल पेंसिल का क्वेश्चन विविध में आया है ना, हाँ नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विविध में एक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। दातु को पेंसिल वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया रोमी का, 14वां क्वेश्चन तो है, 14वां तो नहीं आएगा, 13वां भी नहीं आएगा, मोमबत्ती को पिघला आएगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो क्वेश्चन आपके हट रहे हैं ना वो मैं बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गेंद गोला होती है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है, सूत्र लगाओगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उससे आप किसका मान निकाल सकते हो जी, उससे तो हम आर का मान निकाल सकते हैं, आर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके पास आर आएगी उससे आप त्रिज्या तो पूछ रहा था और पूछ क्या रहा था, गेंद की त्रिज्या पूछ रहा था, निकाली जा सकती है, कर सकते हो या करवाऊं बताइए। एग्जांपल नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, बताइए कर सकते हो या करवाऊं। कुछ नहीं दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम आर निकाल लेंगे, बस आर ही तो पूछा है। कर सकते हो, नहीं बोलो तो मैं करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो मैं करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी बचा है, पढ़ा है अपने पास, कोई समस्या नहीं है, ट्राई कर लेंगे। अगर नहीं आए तो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नया आने वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, नया आने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आसानी से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। 16वां कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। कोई दो गोले हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई ये क्या बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का तो आयतन दे ही रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे, ऐसे बोल सकते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो दे रखा है, कोई दो गोले हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे। एग्जांपल नंबर है आपका ये 16, बिल्कुल 16, ठीक है। तो दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो मैं दोनों को साथ लिख रहा हूं कैसे, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, दोनों का अनुपात दे रखा है जी 4:9। तो ये लो 4:9। अब पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, तो सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/ पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4πr² है, लेकिन ये पहला गोला है तो इसके मैंने आर को R1 बोल दिया, ताकि आप RR में कन्फ्यूज ना हो जाओ, पहला गोला था R1 बोल दिया, बटा में दूसरे गोले का तो 4πr² हो गया, ये लो बराबर है 4/9। अब 4π से 4π कैंसिल हो गया, R1² / R2² बचा, तो इसे मैं R1/R2² बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है 4/9। स्क्वेयर हटाने के लिए हमने क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, जैसे ही क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे बचा R1/R2 और यहाँ पे हो गया 2/3, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, R1/R2 का मान आ गया 2/3। अब आपसे उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप दोनों के आयतन निकालेंगे, तो पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाऊं तो सूत्र होता है 4/3πr³, लेकिन ये पहला गोला है तो R1³ बोला मैंने, और अपॉन लिख दिया मैंने 4/3πr²³,
क्योंकि ये दूसरा गोला है, ये पहले गोले के आयतन का सूत्र लगा दिया, ये दूसरे गोले के आयतन का सूत्र लगा दिया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा क्या R1/R2। R1 की भी क्यूब है और R2 की भी क्यूब है, इसे हम होल क्यूब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे गाते हैं, समान गाते हैं, तो मैंने इसे बोल दिया R1/R2³। और R1/R2 का मान हमने निकाल रखा है 2/3, तो R1/R2 की जगह मैं मान बिठा रहा हूँ 2/3, ये लो 2/3, और ऊपर घात 3 पड़ी है, तो ये लो 3, 2 की क्यूब हो गई 8 और 3 की क्यूब हो गए 27, तो दोनों के आयतनों का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 8:27 हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 16 आपका, और इसके साथ ही 16वीं चैप्टर के सारे एग्जाम्पल जो है वो अपने फिनिश होते हैं। 8:7 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। अब मैं चलते चलते आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन सी चैप्टर, जैसे 16.4 में है तो कौन सा क्वेश्चन जो है वो हट गया, इसमें रूपांतरण वाले सारे क्वेश्चन जो है वो हट चुके हैं। जैसे एग्जांपल 16.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां जा चुका है, 5वां आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें ठोस का रूपांतरण हो रहा है। क्या किया है, बेलन को पिंग लाया गया है और गोले बनाए गए हैं, तो ठोस का रूपांतरण हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 7वां सवाल भी है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिंगला करके 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु कितने बनाए जा सकते हैं, इसमें भी ठोस का रूपांतरण है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी हट गया। 8वां फिर हट गया क्योंकि भाई 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए गए हैं, एक बड़े गोले से छोटे गोले बनाए गए हैं, तो ये भी आपका हट गया क्योंकि इसमें भी रूपांतरण हुआ है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका हट गया, आयतफल की था, एक घनाभ था, उसे पिंग ला करके क्या किया गया, छोटी गोलियां बनाई गई, तो ये भी एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण, हट गया। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका, और तो हटने वाला इसमें तो कुछ नहीं है, 16.4 में और कोई सब क्वेश्चन आपका हटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं विविध की ओर चलते चलते, विविध के अंदर जो है वो आपका क्वेश्चन, विविध के अंदर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं हट गया, एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, भाई 5वां शंकु है तो शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हट चुके हैं, तो 5वां हट चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7वां गया क्योंकि एक शंकु और एक अर्धगोला मिलकर बना है, तो शंकु आपका हट चुका है, तो 7वां भी गया। 8वां फिर गया, ठोस का बीच का भाग बेलनाकार है, दाएं दोनों भाग जो वो शंकु के आकार के हैं, तो ये भी गया क्योंकि शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। 9वीं की बात करूँ तो 9वां फिर गया क्योंकि गोले को पिंगला करके शंकु बनाए गए, ठोस का रूपांतरण भी हो रहा है पहली बात, और दूसरी बात शंकु भी आ गया, इसलिए 9वां भी गया। 10वीं की हम बात करें तो 10वां क्वेश्चन नहीं हटा है, हूबहू आ सकता है। 11वां क्वेश्चन आपका हट गया है क्योंकि 3 गोलों को पिंगला करके एक नया गोला बनाया गया है, तो ये फिर ख़त्म हो गया 11वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन की बात करूं तो 12वां नहीं हटा है, 12वां हट गया है क्योंकि 12वां शंकु से रिलेटेड है, शंकु के आकार का कोई बर्तन है, तो 12वां नहीं आएगा, ख़त्म हो चुका है। 13वें क्वेश्चन की बात करूं तो 13वां फिर नहीं आएगा क्योंकि ये घनाभ है, इसे पिंगला करके मोमबत्ती बनाई गई है, तो घनाभ से बेलन बना, ठोस का रूपांतरण हो गया, हट चुका है। और 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो 14वां फिर हट गया है क्योंकि इसमें क्या किया गया, एक गोले को जिसका व्यास 6 सेमी था उसे पिंगला करके एक बेलन बनाया गया, एक तार बनाया गया जो बेलनाकार होता है, वो फिर आपका हट गया क्योंकि इसमें भी ठोस का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो हट चुके हैं, तो 16वीं चैप्टर भी आपकी ख़त्म। कल बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, कुछ हटा कुछ बड़ा, क्या हटा क्या बड़ा, वो बात कर लेंगे हम कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जाते जाते वही काम, स्ट्रीम को ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला उत्साह जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और हम एक नए उत्साह के साथ आपके साथ काम करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में ठीक 7 बजे, बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 17 के बारे में, ठीक है। शंकु आया है वो क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा रोमिका, जिस क्वेश्चन में शंकु से रिलेटेड कोई बात की है, चाहे शंकु का वक्र पृष्ठ हो, चाहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे शंकु का आयतन हो, शंकु से संबंधित जो भी बात कह रहा है ना, ये शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं आएंगे, शंकु हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभरात्रि, भावना वेरी गुड नाइट, राधिका वेरी गुड नाइट, कनिका वेरी गुड नाइट, स्नेहा जैन वेरी गुड नाइट, दिनेश, रोमिका वेरी गुड नाइट,
ठीक है ऋषि स्वामी, वेरी गुड नाइट। ठीक है तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।